आज हम कहीं जाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे, मस्त होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और एज यूजुअल मैं अपने किचन में हूँ। यही तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम और आप आपस की बातें कर सकते हैं या फिर एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। मेरी यूट्यूब के वीडियोस, आपके कमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम दोनों को कनेक्ट करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कभी मेरे अंदर कुछ खूबी या मेरे अंदर कुछ कमी निकालते हैं। तो प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा और अपने कमेंट जरूर मेरे सारे वीडियो के साथ शेयर करिए। और ये इस तरह से कॉटन के कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं, खासकर गर्मियों में, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और अंदर हो रही है बहुत गर्मी, बहुत उमस। तो इस तरह के पतले पतले कॉटन के कपड़े, कुर्तियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो डोंट माइंड, जितने भी पुराने हो जाएं, गल जाएं, मुझे उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं नए कपड़े। और बहुत ज़्यादा, मतलब लाइट आ गई, देखिए मैं सही बोल रही थी। तो इस तरह से मुझे धुले हुए और काफ़ी थोड़े, मतलब पुराने कपड़े बहुत पसंद होते हैं गर्मियों में। तो आप इसको आप जो भी समझें, मुझे कंफर्टेबल लगना चाहिए। मैं सबसे पहले वो देखती हूँ कॉटन के, मुझे घर में पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आज का दिन आपके साथ शुरू करती हूँ और आगे दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या किया। बहुत ही स्पेशल आज कुछ होने वाला है। तो आज हम जाने वाले हैं बहुत ही अच्छा एक काम करने, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर सूट कर पाई तो। तो उसके लिए मुझे फटाफट से घर के कामों को निपटा के रेडी होना पड़ेगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, दिखाऊंगी मैं आज का दिन मेरा पूरा कैसा रहा। स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पे अपने सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। तो मैं आजकल इस तरह से स्प्राउटेड चना और मूँग खा रही हूँ। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ काला नमक और नींबू है, प्याज वगैरह या फिर खीरा टमाटर नहीं डाला है। तो सिर्फ ये ही है मेरा ब्रेकफास्ट। बाकी के लोगों के लिए, बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है फटाफट से बनने वाला बेसन का चीला। आप देख सकते हैं बेसन का ये चीला काफ़ी यमी होता है, हेल्दी भी होता है, मैं भी खा सकती हूँ, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। पर मैंने मूंग और चना से काम चला लिया है। बच्चों को ये वाला चीला फटाफट से प्याज और हरी मिर्च डालकर और बेसन में के घोल में लपेट के तवे पर इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने सेक लिया है। और बच्चों को सॉस के साथ, और ख़ासकर मेरे पास एक अचार है उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से गोल्डन वाला चीला मैंने, बेसन वाला चीला सॉरी, बना दिया है बच्चों के लिए। और मैं आज फटाफट से सब काम करने वाली हूँ, मतलब जो चीज़ शॉर्टकट में हो जाए मैं वही कर रही हूँ। तो ये चीला बहुत ही जल्दी से और बहुत ही ईजली बन जाता है। तो यही आज मैंने बना लिया है और भी जो खाने वाले हैं उनके लिए, खुद तो मैं चना और मूंग खाई हूँ। तो ये देखिए फटाफट से चीला रेडी हो चुका है और प्लेट में डाल दिया मैंने यहाँ पे अचार। जिन्हें सॉस लेना होगा वो सॉस ले लेंगे और साथ में ये ठंडा दूध। अभी खैर बहुत गर्मी हो रही है, बाहर बारिश का मौसम तो है लेकिन अंदर एकदम उमस भरा हुआ है। तो गर्मियों में ठंडा दूध मैं श्रम्बो के साथ देती हूँ। लंच के लिए मैंने मशरूम निकाला है जो कि कल मैंने ख़रीदा था और आज आप देख सकते हैं इस पर कैसे कैसे दाग हो गए हैं। फिर भी मैंने इसे फटाफट से छांट के जो फ्रेश है उन्हीं को कट कर लिया है। और कट करते हुए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि लंच बना के हमें कहीं बाहर जाना है। तो आप देख सकते हैं मशरूम की स्पीड में थोड़ा सा मैंने खैर स्पीड बढ़ा दिया यहाँ पर, लेकिन मैं सच में बहुत जल्दी कट रही थी। तो मशरूम बनाने के लिए लहसुन प्याज और मशरूम सब फटाफट से कट कर लिया है। जब भी मैं मशरूम बनाती हूँ ना, एक बार मतलब एक बॉयल लगा लेती हूँ मशरूम में, गर्म पानी से सिर्फ धोती नहीं, थोड़ा सा उसे बॉयल कर लेती हूँ। और चावल बनाऊँगी मैं यहाँ पे, तो चावल के लिए मैंने पहले से ही धो के रख लिया है, चावल को भिगो दिया है। आप भी जब भी चावल बनाएं भिगो के बनाएं, बहुत ही जल्दी बनते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी। तो मशरूम मैंने अब कुकर चढ़ा दिया मशरूम को बनाने के लिए, सरसों के तेल में जीरा डाल दिया है फटाफट से और इस तरह से मोटे मोटे कटे हुए प्याज। अगर फुल डिटेल में आप मशरूम की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ मशरूम बना रही हूँ और जल्दीबाजी वाला बना रही हूँ, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेंगे मुझे पता है। और दूसरी तरफ मैंने चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया है क्योंकि लंच में सिर्फ मशरूम चावल ही बनाने वाली हूँ। दाल भी कुछ मतलब बना सकती हूँ मगर मशरूम के साथ सबको चावल या रोटी बहुत अच्छा लगता है। अदरक लहसुन हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज मैंने पीस लिया है और उसे डाल दिया है फटाफट से। मैं प्याज जब गुलाबी हो जाए तब यहीं पे हल्दी नमक और धनिया पाउडर डाल के
प्याज के साथ ही मैं भून लूँगी। और ये देखिए हल्दी है, नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया पाउडर। प्याज मोटे मोटे मैं इसलिए काटी हूँ कि जब मैं इसमें लगाऊंगी सीटी तो वो गल जाएंगे। मैं अपना ये जो स्पाइसेस वाले बॉक्स है ना, बहुत ही अच्छे लगते, बहुत ही प्यारे लगते, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारे हैं और इसमें ये बॉक्स इतने सुंदर दिखते हैं, और ऊपर से जो इसका लीड है उसमें से आप आराम से ऊपर से ही देख सकते हैं कौन सा मसाला कहाँ है। तो ये अमेजन से मंगाया था मैंने, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी लिंक इसका। और ये देखिए यहाँ पर मसाले भून चुके हैं, मतलब कि प्याज बहुत अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ उबला हुआ जो मशरूम था जो मैंने उबाल के रखा था उसे डाल देंगे, और मशरूम के साथ थोड़ी देर तक मैं मसाले को और भून लूँगी। दूसरी तरफ मेरे चावल डाल दिया है मैंने पानी में, और ये भी फटाफट से उबल रहा है, सब काम आज स्पीड में हो रहा है। मसालों को भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने मशरूम में, और यहीं पे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। बस एक सीटी लगा दूँगी तो मशरूम हो जाएगा रेडी। कितनी जल्दी बन गई ना सब्ज़ी, क्योंकि आज जल्दीबाजी में हूँ तो फटाफट से सारे काम करने हैं मुझे। तो ये देखिए मशरूम यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मैं बस एक सीटी लगाऊंगी, और चावल भी यहाँ पे पक गए हैं। थोड़ा सा मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो आप चावल कैसे बनाते हैं? मैं हमेशा उसके माड़ यानी उसके पानी को निकाल के बनाती हूँ। अगर आप कुकर में बनाते होंगे तो मुझसे शेयर करिएगा। इस तरह से चावल खाने से थोड़ा सा स्टार्च निकल जाता है तो वो फ़ायदा करता है, मतलब मैं हमेशा इस तरह से चावल का पानी निकालती हूँ। तो आप भी बताइएगा आप कैसे निकालते हैं चावल, कैसे बनाते हैं। तो ये चावल बिल्कुल उबल चुके हैं, फटाफट से मैंने आटा लगा लिया है क्योंकि अब हमें बनाना है रोटी, और रोटी बनाते के साथ ही मैं जल्दी से लंच सबको सर्व कर लूँगी ताकि काम ख़त्म हो जल्दी से। रोटियाँ मेरी बनने वाली हैं, देखिए फटाफट से रोटियाँ सेक गई हैं। ये फुलके फुलके ही अच्छे लगते हैं, जब भी कोई मसाले वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना तो उसके साथ फुलके ही अच्छे लगते हैं। पराठे नहीं खाते हमारे यहाँ, फुलके के साथ इस तरह की सब्ज़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये देखिए किस स्पीड में मेरी रोटियाँ बन रही हैं, फटाफट 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 जल्दी जल्दी रोटियाँ सीख रही हैं, और ये बहुत ही अच्छी लगेंगी इस मशरूम वाली सब्ज़ी के साथ। तो आप देख सकते हैं रोटियाँ यहाँ पे हो गई है रेडी, बिल्कुल यमी लुक आ रहा है ना, फुली फुली गोल गोल रोटियाँ, सच में अच्छा लग रहा है मुझे भी देखने में अभी। तो ये देखिए यहाँ पर रोटियाँ रेडी हो चुकी, मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये स्टीम किया हुआ राइस, और उसके साथ मैं बस दे दूंगी मशरूम की सब्ज़ी। मैंने यहाँ पे कोई झंझट पाल के नहीं रखा है, तो कुछ खास और कुछ बनाया नहीं, दाल नहीं बनाया है, सलाद नहीं काटा है। अभी सलाद के लिए मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे कुछ तो कुछ काट के देना पड़ेगा, सिर्फ चावल रोटी सब्ज़ी नहीं खा सकते। तो आप चाहिए तो रोटी में फटाफट से ही लगाइए, मैंने फटाक से एक प्याज काट दिया है, कम से कम प्याज और नींबू तो दे दूँ। आज ही के दिन कुछ हो रहा है देश में, ये देखिए न्यूज़ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। चंद्रयान जो 2 था वो फ्लॉप हो गया था, आज चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। लंच करते करते सामने टीवी में ये देख रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, देश पे गर्व हो रहा है, भगवान करे ये सक्सेस हो जाए और सब जो जिसने जितनी मेहनत करी है सफल हो जाए। तो ये आ रहा है आज के न्यूज़ में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं लंच करने के बाद कहाँ गई थी। तो ये है हॉस्पिटल, और आज यहाँ पे ब्लड डोनेट का कैंप लगा हुआ है। जब भी इस तरह का कैंप लगता है और मुझे अगर अवसर मिले, मौका मिले, तो मैं ब्लड ज़रूर डोनेट करती हूँ। तो यही कैंप में मैंने आज अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था, इवन हम दोनों ने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था, और ब्लड डोनेट करने आई हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, और यकीन मानिए गाइस ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा कुछ शो ऑफ नहीं है, मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप अगर कभी नहीं किए हैं ना तो ज़रूर एक बार करके देखिए। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, कोई दर्द नहीं होता, हल्का सा, जैसे इंजेक्शन तो आपने कभी ना कभी लिया ही होगा, बस इंजेक्शन वाला हल्का सा एक स्टार्टिंग वाली नीडल चुभती है, उसके बाद से कुछ नहीं, और फटाक से मतलब 4-5 मिनट में एक यूनिट ब्लड निकल जाता है। अगर आप स्वस्थ हैं, किसी भी तरह का कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेते, तो ये ब्लड डोनेट वाला जब भी आपको मौका मिले करिए, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों की मदद हो जाएगी, जिन्हें ज़रूरत होगा उन्हें उनके पास मिल जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज ब्लड डोनेट किया है और हम दोनों ने ब्लड डोनेट किया, बहुत ही बढ़िया लगा। अगर आप हेल्दी हैं, दे सकते हैं, तो प्लीज़ ये काम करिए, आपको खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो वही इसी काम की वजह से मैं सुबह से फटाफट फटाफट कर रही थी। जब आप ब्लड डोनेट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा डोनर का। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा, मैं बहुत ही खुश हूँ ब्लड डोनेट करके।